so excited about show that अभी अभी it's been just चुप 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 lately. And also I think मैंने मेरी पहली मीटिंग आफ्टर लॉकडाउन वाज फॉर चुप. एंड मैंने जैसे ही चुप सुना आई वाज लाइक आई एम डूइंग दिस सॉन्ग नो मैटर व्हाट. ये सॉन्ग ये करना ही है. इट्स देयर इज दिस अरियाना ग्रांडे का सॉन्ग आई सी इट आई लाइक इट आई वांट इट आई गॉट इट. वैसे ही आई हर्ड इट आई लव्ड इट आई वांटेड इट एंड आई गॉट इट एंड आई एम सो थैंकफुल दैट दिस हैपेंड. मुझे लगता था हाँ ये गाइस, गाने सामने तो 2021 का एक ग्रेट स्टार्ट हुआ है सिद्धार्थ. के यू टेल मी हाउ डिड दिस होल थिंग हैपन. आपका आपका ये क्या है, वो प्रोसेस क्या था? जो वेल आई टेल यू, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये गाना मेरे लिए ही बना है, बिकॉज होता नहीं है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें आप लगता है कि राइट नहीं, मुझे ही मिलेगा. बिकॉज आई रिमेम्बर ये गाना कम से कम मेरे पास बहुत बार आया अलग अलग जगहों से कि ये गाना है, ये गाना है, ये गाना है, और मैंने ना सुना नहीं था. फिर मैंने भी मम्मी ने बोला कि गाना सुन लो एक बार, मैंने वो ओके गाना, और जैसे ही मैंने सुना आई वाज लाइक कि वाओ, दिस इज समथिंग यूनिक, दिस इज समथिंग न्यू. एंड इसकी जो लिरिक्स थी, इसका जो फील था और जो इसकी वाइब थी, म्यूजिक बीट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. तो मैंने सुना, मैंने बोला मम्मी तो बहुत अच्छा गाना है, मतलब अब तक मैंने सुना क्यों नहीं. मम्मी ने पूछा करना चाहते हैं, मैंने कहा यस नो डाउट मुझे करना. एंड देन फाइनली पता चला कि रिच है इसमें, एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज ये हमारा And पहला this is our प्रोजेक्ट. first project together. Wow, yes. रिच भी है तो And मुझे मजा आने वाला है, इट विल बी अ बैंगर. yes, सुपर. totally. एंड ये दिस सॉन्ग लाइक अ 2.5-3 मिनट सॉन्ग हैज कैप्चर्ड इतना सारा इमोशंस. पीपल, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द कमेंट सेक्शन एंड पीपल आर जस्ट लविंग योर एक्टिंग यार. बोथ ऑफ योर इमोशंस, योर एक्टिंग, वाओ, इट फील्स सो नाइस, इजंट इट? इफ अ 2.5-3 मिनट सॉन्ग कैन ब्रिंग आउट योर टैलेंट सो वेल, वन इट मस्ट हैव बीन. दिस चुप आउट ऑन यूट्यूब गाइस, वो 1 बजे से लाइव हो चुका है, तो अगर आप लोग Yeah. मैं नहीं देखे हैं Yes, guys, जाइए please go check it देखिए, out. देखिए और फिर आइए और बताइए कैसा लग रहा है. तो मैंने देखा एंड आई रियली लव द एक्टिंग एंड देयर वाज दिस वन पॉइंट वेयर सिद्धार्थ के आंखों में देयर टियर्स, राइट? दैट वाज सो रियल. ओके, वाओ. सो आप बताइए, हाउ इज द होल थिंग लाइक गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर एंड वो कैसा था? टॉक टू अस अबाउट मेकिंग ऑफ द सॉन्ग रियली. आई रियली वाना थैंक रितिका मैम जिन्होंने इसे डायरेक्ट किया है यस ऑल्सो, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही नया है. ये गाने में मोस्टली लोग ऐसा होता है कि चीट कर दिया, धोखा दे दिया, या फिर ये हो गया. मोस्टली गानों में ऐसे इमोशनल हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग्स में ऐसे ही होता है. राइट बट जब गौरव भैया एंड रितिका मैम ने ये गाना हमें सुनाया और इसका कॉन्सेप्ट बताया, तो फॉर अ सेकेंड हम लोग का ऐसे थे कि अच्छा, थोड़ा हमें था कि यार ये तो इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, इट्स ऑल अबाउट कि आप आंखों से कितनी बातें कर पा रहे हैं इस गाने के. राइट बिकॉज आप म्यूजिक वीडियो में आप बात नहीं कर सकते, आप डायलॉग्स नहीं बोल सकते, आप कितना उस गाने के अंदर आप एंटर करते हो कि आपकी आंखों में वो इमोशंस दिखें लिरिकली. तो सो थैंक्स टू रितिका मैम, उन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से उन्होंने शूट किया, एक एक इमोशन को कैप्चर किया. बहुत मजा आया शूट करने में. और जो मेरा फेवरेट पार्ट था, हमारा फेवरेट पार्ट था मेरा और इसका, दैट हार गया वाला, वो पता नहीं जैसे ही वो गाना बजता है ना, तो यहाँ से एक अलग फीलिंग निकल के आती है कि Exactly, it hits you at the correct spot, इसकी I feel. अंदर Correct, correct. लाइन है ना, इसमें करेक्ट इमोशंस होना बहुत जरूरी है. एंड आई वोंट टेक ग्लिसरीन, आई वोंट टेक एनीथिंग, आई जस्ट लिसन टू द सॉन्ग, आई फील समथिंग and then I'll just perform. So I think Love that you. वो इतना naturally निकल के आया, कितनी आंखों के आंसू भी उतने ही हैं जितने mostly लोगों के Right. होते हैं real life में ऐसा कुछ होता है. तो या वो सारे जो But feel थे. it was lovely, I must tell you. And Ritz, आप बताइए, this song was conceptualized, it was shot during COVID times. As an actor, बहुत मुश्किल रहा होगा, to take all the precautions to shoot this song. So how is that really? Were you guys like using sanitizer every 2 minutes on I'll the tell you set? one क्या thing. करना? Yes, I wanted to actually mention this, that a lot of times, अभी especially lately, because of the COVID के time पे, there's this pandemic and everything that's going on, and इसके बीच में शूट करना, it is a definitely tough task, क्योंकि आप पूरा
it's not like you can roam around freely. You can keep your hand wherever you want. You can touch anything. You have to maintain the distance. And also, I think the whole team was very careful on this. And everybody was having masks. Every were getting, lovely. Everything was sanitized. You know, social lovely. Distancing was happening. And easily, I think, you know, it's always good if it's not just you who's taking the precautions, but everybody around you and the whole team, you know, when takes precautions. I think I am in love with working with Big Bang's team. Because let's just say Ritika ma'am, the director, the DOP Nikhil, Gaurav Vadhwa, Gaurav Chawla, the whole back-end team, Avantika, Heer, and so many more people. I think, jitna bhi bada hota hai, wherever we reach, whatever happens with show. And it's all going to be because of the teamwork. Because the storyline, the way Ritika ma'am actually got out the emotions, you know. And I remember, Siddha, do you remember? Hum log set pe the, and the way she was explaining it to us, we could actually see her showing the whole music video to us. The way she was saying it, you know, it was right. Just, I am giving you directions. It is, I am shooting you the whole music video. And the way Nikhil has shot everything. Clear tha kya karna hai. और कैसा इसके इमोशंस हम लाएंगे क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई चीट कर रहा है या धोखा दे रहा है या कुछ कर रहा है इट जस्ट लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं यू नो कुछ चीजें होती हैं टेम्पटेशंस होती हैं और उसमें लोग किस तरह यू नो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो अपने यू नो लव लव सो आई थिंक नाउ वन वेरी जो कि यू नो मैम ने बताया कि ये सारी चीजें हैं ये लगना नहीं चाहिए कि किसी ने चीट किया है धोखा दिया is that the song na I think Vikas Raj or Sunny itne bahut bure wale dardnak heartbreak se gaye honge na yeah of course I really want to know ki kisne dil toda hai kyunki jisne bhi dil toda hai na bahut pyare tarike se toda hai tab jaake so I really want to thank that person and I really listen the song is very unique yeah because when विकास जी अगर कुछ तोड़े तो फिर यू नो कम में देखो अच्छा गाना गाया एंड राज भाई जिन्होंने यू नो इतने अच्छे से इसके लिरिक्स लिखे भाई जिन्होंने कंपोज किया है इसको तो तीनों का ये हार्ड वर्क है कि इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग आया है और मैं तो अभी लूप में इस गाने को सुन रहा हूँ जब से यू नो जब से मेरे पास आया है ये सॉन्ग No, I think it's like you said, sabka, you know, hard work hai. I think it's the team has really come together to bring out such an amazing product, right? Right. And we have so many of our people here, our viewers here saying the song is amazing. We have love all the way from Indonesia and bahut sare log telling us that they love the song. Aku kita Indonesia. I love you. Yeah, and someone is saying, मैंने अभी देखा बहुत ही अच्छा गाना है wow, this is something unique. Yes, thank you. You know, we were actually just constantly waiting for all the reactions of the fans. Yeah, at the end of the day, it's their say, you know. True. And I think that is what an actor strives for, really, no? Yeah. That is the best gift, yeah, one can get. So, mera next sawal ye tha ki, you know, you spoke about Vikas and Sunny's heartbreak and all. I want to know from you guys that if the two of you have had heartbreaks. Ritz, tell us, have you had a heartbreak? No? Listen, before? I think heartbreak hone ke liye na, haath judna bhi chahiye.